नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आइए शुरू करते हैं फटाफट खबरें। निजामबाद तहसील क्षेत्र के फरिया बाजार में शिव मंदिर पर टीवी लगाकर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेता जिला मंत्री लालगंज संतोष कुमार गौड़ के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण कार्यकर्ताओं को लाइव दिखाया गया। इस अवसर पर जिला मंत्री ने बताया कि किसान सम्मान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर संतोष कुमार गौड़ ने कहा कि आज किसानों के खाते में 18 हजार करोड़ रुपए किसानों के खाते में अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर दिए गए हैं। इस अवसर पर जयप्रकाश सिंह, ओमकार सिंह, सोनू सिंह, पवन कुमार सिंह, राजेंद्र सोनकर, उमाकांत पांडे, हरिराम यादव, सुधाकर सिंह, रामदास यादव, तेज बहादुर सिंह सहित तमाम लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि वासुदेव यादव, सभापति भूमि विकास बैंक फरिया रहे। ऐसे जगहों पर भी पार्टी का निर्णय था कि कार्यक्रम मनाया जाए और इसी के तहत आज फरिया ग्राम सभा में हम लोग ये अटल जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। लेकिन अटल जी का जन्मदिन तो अब तक हम लोग किसान दिवस, सुशासन दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं, लेकिन आज का जो ये कार्यक्रम है वो किसान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज का कार्यक्रम ये किसान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और इसी के तहत आज ग्राम पंचायत ये फरिया में हम लोग ये कार्यक्रम मना रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का लाइव संबोधन आ रहा है और आज ही के दिन 9 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का ये 18 करोड़ रुपये आज अभी मोदी जी ट्रांसफर करने वाले हैं। और किसानों के MSP पर विपक्ष द्वारा जो भ्रम फैलाया जा रहा पूरी तरह निराधार है। अम्बेडकर नगर के जलालपुर के पूर्व PM स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती की पूर्व संध्या पर अटल काव्यांजलि अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश के माने जाने ओज कवि विनीत चौहान सहित तमाम कवि शामिल हुए। कवियों को सुनने के लिए कड़ाके की ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। विनीत चौहान की वीरस से भरी देशभक्ति से ओतप्रोत कविताओं से दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। इस कवि सम्मेलन में शायर कलीम कैंसर, सुरेश अवस्थी, अनिल चौबे, सर्वेश अस्थाना, गजेंद्र प्रियांशु, सरिता शर्मा, अमन अक्षर जैसे कवियों ने दर्शकों को कविताओं का रसपान कराया। आयोजक डॉक्टर रजनी सिंह ने सभी का आभार जताया। पुण्य काम की तलाश में राम वन क्यों गए, राजपाठ त्याग। पुण्य काम की तलाश में तीर्थ खुद भटक रहे थे, धाम की तलाश में। गुजल ने कृषि कानून पर चर्चा करते हुए कृषि कानून को किसानों के हित में बताया तो वही किसानों को समझाते हुए कहा कि किसान किसी के बहकावे में ना आए, ये तीनों कानून किसानों के हितैषी कानून हैं। तो वही पीयूष गोयल ने किसानों से 2022 तक उनकी आय दोगुना करने का वादा करते हुए प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी दी। क्या कुछ कहा रेल मंत्री पीयूष गोयल ने, आपको सुनवाते हैं। विश्वास है वहां के भी किसान भाई बहन इस बात को समझेंगे, आज के माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन को सुनने के बाद जो बातचीत के लिए मार्ग और द्वार सरकार के खुले हैं उसके माध्यम से उन गलत फहमियों को भी हम पूरा करने में सफल होंगे और आगे चल के आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से इस देश में कृषि क्षेत्र में और अधिक परिवर्तन हो और अधिक बढ़ावा हो उसके लिए हम सब संकल्पित हैं। इसी बात से मैं अपनी बात को विराम देता हूं। आइए चलिए हम प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के साथ सीधा जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक क्षेत्र में की जा रही है, मुझे विश्वास है वहां के भी किसान भाई बहन इस बात को समझेंगे, आज के माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन को सुनने के बाद जो बातचीत के लिए मार्ग और द्वार सरकार के खुले हैं उसके माध्यम से उन गलत फहमियों को भी हम पूरा करने में सफल होंगे और आगे चल के आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से इस देश में कृषि क्षेत्र में और अधिक परिवर्तन हो और अधिक बढ़ावा हो उसके लिए हम सब संकल्पित हैं। और ये जनपद के अछलदा थाना क्षेत्र में जानलेवा मैनपुरी तंबाकू का अवैध कारोबार खाद्य सुरक्षा विभाग की मिलीभगत से दिन दुना रात चौगुना बढ़ता ही जा रहा है और प्रशासन हाथ पर हाथ रखकर बड़े आराम से बैठा हुआ है। और ये जनपद में बिक रही मैनपुरी तंबाकू जानलेवा है। पिछले दिनों खाद्य एवं औषधि विभाग ने कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति भले ही कर ली हो, लेकिन अवैध तंबाकू माफिया प्रशासन को अभी भी ठेंगा दिखा रहे हैं
औरैया जनपद के छल्दा थाना क्षेत्र सहित कई छोटे बड़े कस्बों में अजय नाम से प्रसिद्ध जानलेवा मैनपुरी तंबाकू का अवैध कारोबार फल फूल रहा है। मैनपुरी तंबाकू के खाने से कैंसर के मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जाहिर है कि तंबाकू के नाम पर थीमा जहर बेचा जा रहा है। अब इस मामले को शासन ने संज्ञान लिया है और जानलेवा मैनपुरी तंबाकू के अवैध कारोबारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। वही अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर इन अवैध तंबाकू कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई करने में जिला प्रशासन औरैया नाकाम क्यों है? क्या कुछ कहा इस बाबत गौरव श्रीवास्तव समाज सेवी और लाखन सिंह राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने, आपको सुनवाते हैं। चलती है ये मैनपुरी तंबाकू तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये मुंह में लोग इसको चबाते नहीं, मुंह में भरे रहते हैं, उससे कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो ये इस पर लगाम लगानी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ में समाज सेवी संगठन जितने भी हैं वो बराबर तंबाकू को रोकने के लिए अभियान चलाते रहते हैं, तो ये लोगों को मानना चाहिए। प्रशासन क्या इसके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है? प्रशासन को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए लोगों के खिलाफ में ये और तंबाकू ना खाई जाए, किसी जेल भी भेजा जाएगा। किसी भी कीमत पे अवैध कारोबार नहीं होने देंगे, और ये मैनपुरी तंबाकू जो मानक के विपरीत करके जो अपने बना रहे हैं और उससे जो नशा करने के पर्पज़ से जो लोग अपने आदि हो गए हैं खाने के लिए, उनको भी प्रेरित किया जा रहा है कि ये नशाबंदी की जाए और नशे के आधार पर इनको ये नुकसान हो सकता है। दूसरा, उन पर जो कारोबार करते हैं उन पर छापा मार के उनकी कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ भी की जा रही है। किसी भी कीमत पर अवैध कारोबार नहीं होने दिया जाए। आज कलेक्ट्रेट स्थित रिक्शा स्टैंड पर अखिल भारतीय वर्षीय ब्राह्मण महासभा के तत्वाधान में देश के दो महान विभूतियों महामना पंडित मदन मोहन मालवीय व पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का जयंती समारोह आयोजित कर उन्हें याद किया गया। इस समारोह में अखिल भारतीय वर्षीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष बृजेश दुबे जाफरपुरी ने देश के महान विभूतियों के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान संस्था के पदाधिकारियों ने गरीबों व दिव्यांगजनों को जैकेट, शाल व कंबल भेंट किया। प्रदेश अध्यक्ष बृजेश दुबे जाफरपुरी ने मीडिया को बताया कि देश हमेशा इन महान विभूतियों का रेडी रहेगा। इन्होंने भारत के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। इस दौरान गगन कांत दुबे, कृपा शंकर पाठक, पप्पू चतुर्वेदी, सुनील मिश्रा, ईश्वर सुनील मिश्रा सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। क्या कुछ कहा बृजेश दुबे ने, आपको सुनवाते हैं। हमारा नाम बृजेश कुमार दुबे है, हम प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतवर्षी ब्राह्मण समाज के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आज देश की महान विभूतियाँ जिन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़ा समर्पण किया, उन महामना की हम जयंती मना रहे हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय जी, पंडित श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो भारत रत्न से सम्मानित है, उनका जन्म दिन आज हम लोग जन्म समारोह के उपलक्ष्य में अपने ब्राह्मण समाज और अन्य समाज के लोगों के साथ मिलकर मना रहे हैं। वेदांता महोत्सव में गुरुवार को नर्सिंग की छात्राओं ने अपनी मेधा से मंच पर समा बांध दिया। छात्राएं सेवा के क्षेत्र में आने के लिए पढ़ाई कर रही हैं, लेकिन मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी तो अतीत अभिभावक दोनों उनमें छिपी प्रतिभा को जान खुश हुए। इससे पूर्व कमिश्नर विजय विश्वास पंत और डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किए। कमिश्नर ने कहा कि नर्सिंग की पढ़ाई का आयाम बहुत बड़ा होता है, इसे आय से ज़्यादा सेवा के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि महोत्सव जैसे आयोजन होने चाहिए, इससे बच्चों में छिपी मेधा उभर कर सामने आती है। इसे पूर्व लक्ष्मीरामपुर स्थित वेदांता नर्सिंग होम में सुबह से ही नज़ारा बदला नजर आया। कॉलेज प्रशासन के साथ छात्राएं भी महोत्सव की तैयारियों में जुटी रही। कॉलेज की छात्राओं में रुचि अग्रवाल, रुचिरा डालमिया, पुष्पा यादव, गिरजा यादव इत्यादि ने कार्यक्रम को यादगार बनाने में सहयोग किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि एसपी सिटी पंकज पांडे, ग्रामीण सिद्धार्थ के अलावा वेदांता ग्रुप के अध्यक्ष डॉक्टर शिशिर जायसवाल, निदेशक विशाल जायसवाल, आलोक जायसवाल उपस्थित रहे। क्या कुछ कहा विशाल जायसवाल ने, आपको सुनाते हैं। देखिए, नर्सिंग जो प्रोफेशन है वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल पे हमेशा जो है उन्हीं के द्वारा जो ये बनाया हुआ है नर्सिंग जो प्रोफेशन है, तो इसलिए इसमें क्रिसमस का बहुत बड़ा महत्व है। और वैसे भी हमारी भारतीय संस्कृति जो है हमेशा किसी भी तरीके के फेस्टिवल को मनाने के लिए हमेशा जो है तत्पर रहती है। इसलिए जो ये हमारा वेदांता का जो ये महोत्सव है, इसमें हम क्रिसमस महोत्सव और वेदांता महोत्सव हर साल जो है इसी तरीके से जो है 23rd या 24th करते आ रहे हैं। इसमें आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री विजय विश्वास पंत जी, मंडलायुक्त आजमगढ़ मंडल, और श्री सुभाष चंद दुबे जी, पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ मंडल, एडिशनल एसपी पंकज पांडे सर, सिद्धार्थ सर,
SPRA एंड मेजर SP पांडे सभी लोगों ने, हम सारे बच्चों का और हम लोग का सभी लोगों ने उत्साहवर्धन किया। इससे क्या होता है, ये एक ऐसा नहीं है कि एक महोत्सव है, ये एक क्या है, एक कल्चरल एक्टिविटी है जो हम हमेशा बच्चों को कुछ ना कुछ एक शिक्षा देती है कि ये सारी चीज़ें भी, क्योंकि आप कभी भी क्या होता है कि अगर आपको लाइफ में अपने सफलता पानी है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ किताबी नॉलेज रखें, आपको इसके साथ साथ सारी एक्टिविटी, स्पीच है, बोलना है, वे आप प्रेजेंटेशन है, स्टेज पे हम कैसे लोगों को फेस करेंगे, ये बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि एक डॉक्टर ऐसा प्रोफेशन होता है जिसमें क्या होता है कि हम कभी भी पेशेंट को 50% जो है मेडिसिन का काम होता है, और 50% जो होता है हम कैसे पेशेंट के साथ बिहेव कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो ये इन सब चीज़ों की इस तरीके के प्रोग्राम करने से ये बच्चों के अंदर एक मोटिवेशन आता है, एक शिक्षा आती है कि किस तरीके से हम लोगों को बिहेव करें। अभी हमारे बीच जो है विजय विश्वास पंत सर, मंडला आयुक्त सर, सुभाष चंद दुबे सर, उप पुलिस उप महानिरीक्षक सर, दोनों लोगों ने ये बच्चों को बहुत सारा मतलब चीज़ें बताई है कि अभी ये कोरोना काल जो हमें चल रहा था, हम आप जो नॉर्मल सभी लोग सामाजिक हैं सभी लोग पीछे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा रिस्क किसके पास था, डॉक्टर के पास। बल्कि पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय ने ये बताया कि हम डॉक्टर को भी उतना नहीं मानते हैं जितना पैरामेडिकल स्टाफ है, क्योंकि डॉक्टर क्या है, डॉक्टर तो प्रोटोकॉल लेके दूर से अपना कर दिया, लेकिन पेशेंट के पास कौन है, पेशेंट के पास हमारे ये पैरामेडिकल स्टाफ है। तो उनसे हमारे बच्चों का बहुत ज़्यादा जो है मनोबल ऊंचा हुआ है, जिससे हम जो है और भी आगे और भी कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस महोत्सव का सिर्फ ये यही एक उद्देश्य है। अम्बेडकर नगर में ट्रक लूट की घटना में फरार चल रहे 75,000 के इनामी बदमाश को पुलिस मुठभेड़ के बाद पसखारी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली पैर में लगने से इनामी बदमाश घायल हो गया। मुठभेड़ में साथी बदमाश का साथी भागने में सफल रहा। पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। गिरफ्तार घायल बदमाश नकुल यादव का लूट का ट्रक बेचने के लिए अपने साथी के साथ जा रहा था। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर पसखारी थाना अध्यक्ष श्रीनिवास ने घेराबंदी किया, लेकिन आरोपी नकुल ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दिया और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में इनामिया बदमाश घायल हो गया, जबकि उसका साथी फरार होने में सफल रहा। नकुल पर IG अयोध्या द्वारा 75,000 और SP अम्बेडकर नगर द्वारा 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। पसखारी क्षेत्र में एक पुलिस मुठभेड़ हुई है जिसमें 50,000 का इनामी बदमाश नकुल यादव, जो रहने वाला मऊ आईमा प्रयागराज का है, उसके पैर में गोली लगी है। ये बसखारी में कुछ महीने पहले भी ट्रक लूट हुई थी जिसका मुख्य वांछित अभियुक्त था, तो इसकी गिरफ्तारी करके इसको कल जेल भेजा जाएगा। सर कितना इनाम था इस पर? 50,000 रुपये का इनाम था। बलरामपुर जनपद के नगर पंचायत पचपिड़वा कार्यालय में क्षेत्रीय भाजपा विधायक सुरेश कुमार सिंह सैलूने, यू अरुण कुमार तथा चेयरमैन प्रतिनिधि मंजूर आलम सहित नगर पंचायत कर्मियों के साथ समीक्षा बैठक किया, जिसमें नगर के आम जनमानस भी मौजूद रहे। नगर पंचायत के द्वारा लोगों से हाउस और पानी आदि के नाम पर भारी भरकम जबरन टैक्स वसूली तथा अन्य समस्याओं को लेकर विधायक से यू के खिलाफ शिकायत का बौछार कर दिया, जिसे नाराज विधायक ने यू अरुण कुमार को काफी फटकार लगाते हुए हिदायत दिया। कहा कि वह जनता के सेवक हैं, उनके साथ तरीके से पेश आकर न्यायपूर्वक कार्य करें, उनकी समस्याओं का तत्काल समाधान करें, जलकर हाउस कर आदि वसूली करने में जितना संभव हो उतना रियायत करें, किसी को परेशान न किया जाए, जरूरतमंद लोगों को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र समय से निर्गत कराएं। विधायक ने मौजूद नगरवासियों को आश्वासन दिया कि भविष्य में आप लोगों से नगर पंचायत प्रशासन द्वारा किसी तरह का अनुचित वसूली और दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा। विधायक के आश्वासन देने के बाद मौजूद नगरवासी संतोष नजर आए। रवि वर्मा ने बताया कि विधायक ने हम लोगों के सभी समस्याओं का निराकरण कराने का आश्वासन दिया है, जिससे हम सभी संतुष्ट हैं। क्या कुछ कहा नगरवासी रवि वर्मा और शैलेश कुमार सिंह विधायक गैसली ने, आपको सुनवाते हैं। ये था कि काफी आरोप लग रहे थे कि जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं जारी किए जा रहे हैं, तो ये चूंकि वैधानिक था, इसके लिए माननीय विधायक जी ने निर्देश किया है हमारे यहाँ के यू पिछड़वा को कि ऐसा न किया जाए। वाकई में जो देने योग्य हैं वो स्वेच्छा से दे रहे हैं, देंगे, और सरकार की मंशा के अनुरूप सारे कार्य किए जाएं। रैन बसेरों का भी जो है जिक्र छूट गया है यहाँ तक, लेकिन रैन बसेरों की व्यवस्था करने के लिए भी बात चर्चा होगी भविष्य में इसमें,
आवास में भ्रष्टाचार को लेकर के शिकायत की गई कि इसमें कुछ डूडा विभाग के कर्मचारी जो है वो इसमें अवैध वसूली का काम कर रहे हैं, जिन पर ये विधायक जी ने आश्वासन दिया है कि परियोजना अधिकारी से बात करके इस मामले पर उचित कार्रवाई की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को इसके लिए सख्त निर्देश दिया जाएगा कि उन ऐसे लोगों पर मापदंडों को देख कर ढंग से कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसे घटनाएं न हो। विधायक के आश्वासन के बाद क्या आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के साथ न्याय होगा, संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल होगा, हमारी सरकार की मंशा साफ है कि जीरो टॉलरेंस पर काम होगा। हमारे लोकल समस्याएं हैं उसकी लेकर के, हाउस टैक्स हो, बिजली का है, पानी का है, विकास के योजनाओं का है, विकास के कार्यों का है। उसकी बैठक सारे पार्षद थे, चेयरमैन थे और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पचपड़वाल है मंडल की टीम थी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे हमारे वरिष्ठ नेता जो थे जिले के प्रदेश मतलब यहाँ के आपके मंडल के सब लोगों के साथ एक बैठक थी, उस पर चर्चा की गई। सभी अधिकारी थे, ईओ थे, बिजली विभाग के थे, गुजरात के थे, सब इसी पर चर्चा की गई। विकास योजनाओं को कार्यों को लेकर के एक समीक्षा बैठक की, कहाँ तक नगर पंचायत पचपड़वा काम कर रहा है अच्छा, लोगों को जन सुविधा उनकी बढ़िया हो, विकास का अच्छे हों, जिससे कि आम जनमानस को लाभ मिले। कुछ यहाँ की जनता की शिकायतें भी थी कुछ हाउस टैक्स वगैरह को लेकर के या अदर कुछ मामलों को लेकर के। हाँ, जैसे हाउस टैक्स का था कि इसमें आ गया हाउस टैक्स क्योंकि कई वर्षों से लगा नहीं था, अचानक अगर किसी के पास आ गया कोई 20,000, 25,000, 30,000 तो आम जनमानस जो यहाँ पे गरीब सामान्य वर्ग के लोग या कमजोर लोग जो यहाँ पे रहते हैं जिनको अचानक 20,000 रुपये देने के नहीं, तो इसमें ये भी रहा, हमने यहाँ पे सुझाव भी दिया है कि आप लोग एक प्रस्ताव बना करके इसको दे दीजिए कि जो अब तक था उसमें उसको माफ़ किया जाए और आगे से 1 जनवरी 2021 से जो नियमानुसार मिनिमम रेट पे जो टैक्सेस होते हैं उसको लोग दें, उसको जमा करें। लेकिन इतना बड़ा बर्डन कि 10,000, 20,000, 50,000, 40,000 इतना अगर आ जाएगा तो इन लोगों को समस्याएं होंगी, और इसकी वजह से कि टैक्स ना देने की वजह से अन्य कार्य बाधित ना हो, इस पर भी चर्चा हुई, इस पर भी अधिकारियों से भी बात हुई कि इनको किसी तरह से प्रताड़ित न किया जाए, परेशान न किया जाए, आम जनमानस को उसको सुविधा मिले। शीला चैरिटेबल फाउंडेशन परिवार की तरफ से 60 बच्चों को स्टेशनरी किट वितरित किया गया। आज दिनांक 24/12/2020 को साउथ दिल्ली के महिपालपुरी रंगपुरी पहाड़ी में झुग्गी बस्ती में शीला चैरिटेबल फाउंडेशन के वाइस चेयरमैन अभिजीत राय एवं महासचिव बीएस गौतम, कोषाध्यक्ष अभिषेक मांझी, मीडिया प्रभारी नरेंद्र कुमार वर्मा, कपिल की उपस्थिति में नारी शक्ति सम्मान एनजीओ की संस्थापक श्रीमती रेणु जी एवं श्रीमती रचना मलिक भी मौजूद रहीं। इनकी टीम के साथ मिलकर श्रीमती सुनीता कमल जो कि सेंटर इंचार्ज हैं, इनकी सहायक श्रीमती लता रानी एवं श्रीमती नीलम जो इस बस्ती में निःशुल्क गरीब असहाय बच्चों को शिक्षा देने का कार्य करती हैं। इनके साथ शीला चैरिटेबल फाउंडेशन ने 60 बच्चों को स्टेशनरी किट एवं रिफ्रेशमेंट वितरित किया गया। अभिजीत राय का कहना है कि हमारी संस्था आगे भी इसी प्रकार के कार्य करती रहेगी। खबरों में फिलहाल इतना ही, जुड़े रहिए TV20 न्यूज। पंकज राय की रिपोर्ट। एजुकेशन के लिए काम कर रहा है तो उसको आप शर्माते लेकर बिठाइए, ऐसा नहीं कि उसके साथ आप लड़ाई झगड़ा करना शुरू हो जाए। परेशानियाँ तो बहुत सारी आएंगी जीवन में, चलती रहेंगी और हर किसी आदमी में थोड़ी बहुत कमियाँ जरूर होती हैं। उसको आप बैठ मिलके एकांत में, ऐसा नहीं कि जब वो लोग आए उन्हीं के सामने आपके आप पता करें, वो लोग आप एकांत में बैठ के भी निपटा सकते हैं। उसको कहते हैं ममता। अभी अगत्या के कारण हम आप लोगों की हेल्प करने के लिए आप लोगों ने झगड़ा शुरू कर दिया। हम आपके बच्चों के लिए करने आए, हम किसी बड़े के लिए नहीं करने आए, और वो भी इसलिए आए क्योंकि यहाँ एक NGO बच्चों के लिए शिक्षा का कार्य कर रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ आए। जनरल बच्चों के लिए हम यहाँ काम करने के लिए नहीं आए। जो आप लोगों के बच्चे हैं जो यहाँ शिक्षा लेते हैं उनके लिए हम कुछ करने के लिए आए। और मैडम सुनीता कमल के द्वारा हम यहाँ पे आए हुए हैं कि हम लोग आपके घर से गए तो उसको आसानी से दूर कर लेंगे। उन्होंने बेचारी ने आपको मैं समझता हूँ 10-12 साल से आपके साथ काम कर रही हूँ, तो क्या बुरा कर दिया? आप देखिए प्रोटोकॉल गवर्नमेंट का मैं
अम्बेडकर नगर जनपद में सिंचाई विभाग द्वारा बड़ी लापरवाही से नहर की पटरी टूटने से किसानों के सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न होने से नष्ट हो गई। ग्रामीणों के अथक प्रयास के बावजूद कटान बंद नहीं हो सकी है, तो वही सिंचाई विभाग के जिम्मेदार कर्मचारियों को सूचना दिए जाने के बावजूद नतीजा सिफर है। मामला जिले के आलापुर तहसील क्षेत्र अंतर्गत जहांगीरगंज बाजार का है, जहां बाईपास मार्ग पर स्थित नहर की पटरी कटने से गेहूं व फसल सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न हो गई और पानी गांव की दहलीज तक पहुंच गया। आनन फानन में स्थानीय लोगों द्वारा काटान को बांधने की प्रक्रिया शुरू किया, लेकिन बहुत तेज होने के चलते सफल नहीं हो पा रहा है। वही सपा नेता बाल गोविंद त्रिपाठी ने सिंचाई विभाग के अभियंता से दूरभाष पर वार्ता कर मामले में दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई के अलावा किसानों की फसल का मुआवजा दिलाए जाने की मांग किया है। यीशु के जन्म से पूर्व शहर के गिरजाघर में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। हालांकि कोरोना को लेकर इस बार क्रिसमस सादगी के साथ मनाया जा रहा है, बच्चे युवा और बुजुर्गों को चर्च के अंदर आने की मनाही है, सिर्फ प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। हॉली ट्रेंडेड चर्च के पादरी ने बताया कि आज प्रार्थना सभा के दौरान उपस्थित लोगों को प्रभु यीशु के जन्मदिन के बारे में बताया गया, उन्हें उनके जन्मदिन क्यों मनाया जाता है ये भी बताया गया। प्रभु यीशु प्रेम व स्नेह का संदेश दिया कि समस्त मानव जात आपस में प्रेम व स्नेह के साथ रहे। क्या कुछ कहा होली ट्रिनिटी चर्च के फादर ने, आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम मोहिशन डाइसन, गोरखपुर का रहने वाला हूँ। अभी एक महीने से हमारी कोचिंग आजमगढ़ होली कम्युनिकल चर्च में हुई, और मैं इस समय यहाँ का पास्टर फुल इंचार्ज करके यहाँ पे मैच। आज क्या कार्यक्रम आज किया गया जी? आज क्या क्या कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया? आज का कार्यक्रम कोई खास नहीं, आज जैसे साधारण चर्च लगती रही वैसे ही आज का ये सर्विस हुई है। प्रभु यीशु मसीह के उस जन्म उत्सव के बारे में, उसके प्रेम के बारे में इसे समय बताया गया है, ताकि लोग प्रभु यीशु मसीह के उस जन्म उत्सव को जो मनाते हैं उसका मतलब समझ सके कि यीशु मसीह का जन्म क्यों मना। प्रभु यीशु मसीह में हमें आपको पूरे समस्त संसार को वो एक प्रेम संदेश दिया है, ताकि हम आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम रखें और उसी प्रेम में प्रभु यीशु मसीह के उस आज्ञाओं का पालन करें जो उसने हमें पालन करने का आदेश दिया, ताकि हम अपने जीवन के द्वारा लोगों को हम समझा सकें और लोग प्रभु यीशु मसीह को जान सकें कि प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके लिए प्रेम का संदेश लेकर आए, और प्रेम का संदेश उन्होंने हमें दिया ताकि हम एक दूसरे को प्रभु के उस प्रेम को बता सकें, ताकि प्रभु प्रेम के द्वारा मानव जाति का उद्धार हो सके और वे आनंद जीवन पा सके जो मानव जाति के लिए दिया गया। आजमगढ़ के कंदरापुर के बस्ती उगरपट्टी गांव में किसान बिल को लेकर विरोध किया गया और किसानों को बताया गया। समाजवादी विजन सभा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य लालजीत क्रांतकारी ने कहा कि यह किसान बिल किसान विरोधी बिल है, यह किसानों के लिए काला कानून है। यह सरकार जब तक इस किसान बिल को वापस नहीं करती है, तब तक हम समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा आंदोलन चलता रहेगा। क्या भाजपा की सरकार किसानों को सिर्फ ठग रही है या सिर्फ पूंजीपति वर्ग के लोग जैसे मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, अडानी जैसे उद्योगपतियों को फायदा पहुँचाने के लिए यह कानून किसान बिल ला करके किसानों को ठगने का काम किया गया है, और विरोध हम सभी लोग करते रहेंगे। क्या कुछ कहा सुनवाते हैं। अलाव जला करके और हम लोग जो किसान बिल है उसका विरोध किए हैं, और जो समाजवादी पार्टी के सरकार में काम किए गए थे, चाहे 102 नंबर हो, चाहे 108 नंबर हो, चाहे 100 नंबर रही हो पुलिस विभाग, और चाहे हमारे यहाँ पे एयरपोर्ट अखिलेश यादव जी बना के गए थे, ये लोग कहे कि जो है कि आएंगे तो हम तुरंत चालू कर दें, उसको भी बंद है, अभी तक चालू नहीं हुआ। और आज हम लोग किसान बिल का इस गांव में विरोध किए हैं, और इस सरकार की जो नीतियाँ हैं ये किसान विरोधी नीति है, उसको हम लोग किसान वर्ग के लोगों से सभी लोगों से बताए हैं। आज हम लोग इसका विरोध किए हैं जो यह काला कानून आया है हमारे देश में, किसानों के लिए यह अभिशाप है, इसलिए इसका हम लोग पुरजोर विरोध किए हैं। हम लोग ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी कहे हैं कि आप लोग गांव-गांव जा करके घर घर जा करके किसानों को जागरूक करिए और यह किसान बिल का विरोध करिए। हम लोग इस किसान बिल का विरोध किए हैं। हम लोग जो है कि ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, बीजेपी के लोग हैं, ये सिर्फ जनता को गुमराह करके परेशान कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि इससे फ़ायदा होगा। इससे किसान वर्ग का 1% फायदा नहीं है, 100% नुकसान है। जब से ये
अभी किसानों को पता नहीं चला कि हमारा जो है कि खेत कॉन्ट्रैक्ट पे होगा या कैसे होगा, कैसे नहीं खेती बाड़ी हमारा मूल्य तय होगा, क्या तय होगा और इसको किस मूल्य में किस निर्धारित रेट पे खरीदा जाएगा, इसको कुछ जानकारी किसान को नहीं है। लेकिन उन्होंने अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, अडानी का गोदाम बना के तैयार करवा दिए हैं। गोदाम बताइए, किसान अपने हिसाब से खेती करेगा, अपने हिसाब से बेचेगा, आप सब आप मूल्य तय करते हैं। किसान अपना सामान बेचेगा, अपना अनाज बेचेगा, अपना सब्जी बेचेगा, अपना दूध बेचेगा, जो भी कृषि में है वो अपना बेचेगा, तो उसको उसका हक रहना चाहिए, वो तैयार करना चाहिए। निश्चित तौर पे ये भाजपा के लोग किसानों को परेशान कर रहे हैं। आज उसको लेकर के हम लोग गाँव में घूम घूम करके सभी लोगों से मिल करके और यहाँ पे आज अलाव का जला करके हम लोग बहुत से लोग संख्या में हमारे किसान वर्ग के भाई लोग थे, हम लोग आज उनके बीच में चर्चा की। खबरों पर आज पूरे देश में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का 96वां दिवस जन्मदिन भारत में मनाया जा रहा है। उस क्रम में जिले के माहौल नगर पंचायत में पिछड़ा वर्ग मोर्चा भाजपा के जिला उपाध्यक्ष सुजीत जायसवाल आसो के नेतृत्व में अस्थायी रैन बसेरा का उद्घाटन पिछड़ा वर्ग मोर्चा भाजपा के जिला अध्यक्ष आनंद गुप्ता के द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य रूप से वैश्व समाज के जिला अध्यक्ष रमेश जायसवाल, विकास गुप्ता, विवेकानंद सहित दर्जनों लोग उपस्थित रहे। वक्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी के पदचिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। जन्म दिवस सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जो कि आज पूरे भारतवर्ष में कार्यकर्ता जगह जगह पे सुशासन दिवस मना रहे हैं। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न और हम कार्यकर्ताओं के लिए एक मार्गदर्शक थे और उनको हम लोग आज के दिन याद करने का काम करते हैं। उसी क्रम में आज माहौल जो नगर पंचायत है उसमें आज हमारे पिछड़ा वर्ग के जिला उपाध्यक्ष सुजीत जायसवाल आसू जी ने एक अस्थायी रैन बसेरे का उनके अपने सौजन्य से उन्होंने स्थापना किया, जिसका आज उद्घाटन था। उस अवसर पर आज उद्घाटन का कार्यक्रम हुआ। प्रतापगढ़ के युवा सपा नेता सौरभ सिंह मीडिया से रूबरू हुए। सपा नेता सौरभ का बयान आया है कि पार्टी ने अगर 2022 में मौका दिया तो 2022 में विश्वनाथगंज विधानसभा का विकास होगा। बोले सपा नेता सौरभ सिंह, भाजपा सरकार जनता को ठगने का काम किया है, अन्नदाता किसानों के समर्थन में सपा को प्रदर्शन करने से रोक रही है। सरकार सपा कार्यकर्ताओं को लगातार उत्पीड़न कर रही है। क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क कर रहे युवा सपा नेता सौरभ सिंह बहुचरा निवासी वरिष्ठ सपा नेता संजय सिंह के बेटे हैं सौरभ सिंह। सुनवाते हैं क्या कुछ कहा सपा नेता विश्वनाथगंज सौरभ सिंह ने। देखिए, सबसे पहले तो मैं विश्वनाथगंज जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो मुझे जिस तरह से स्नेह मिल रहा है बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही प्रशंसनीय है। और हर सुख दुख में पहुँचने का मैं काम कर रहा हूँ अभी तक, और सभी अन्य कार्यों में भी पहुँचूँगा। इसी तरह मैं विश्वनाथ जनता का एक आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, और सभी युवाओं साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो लोग हमारे साथ खड़े हो रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अच्छा, विश्वनाथगंज के लिए आप लगातार क्षेत्र में टहल रहे हैं जी, क्या समस्याएं आपको लग रही कि इस विधानसभा में ये करने की ज़रूरत है? देखिए, विश्वनाथगंज की जनता में ये जो 5-7 साल हम लोग का बीता है ये बहुत ही दुखद है, क्योंकि विश्वनाथगंज की जनता में विधायक विहीन जनता है। आज के समय में किसी के सुख दुख में नहीं पहुंच रहे हैं, कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। आज जो भी सड़कें हैं चलने लायक नहीं है। आप मैं कम से कम कुछ नहीं तो 100 गांव में पहुंचा हूं और देखा हूं कि आप जा नहीं सकते हैं, इस तरह की सड़कें हुई हैं, इस तरह से दुर्दशा हुई है सड़कों की। और ये हम लोग का 5 साल समझ लीजिए विकास के रास्ते पे एक भी काम अधिकार है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि किसी भी आवाज़ को दबाया जा रहा है, यहाँ पर आप पार्टी के सांसद जी सम्मानी संजय सिंह जी ये और शिक्षा मंत्री जी लखनऊ आते हैं तो उनको डीजी रोक देते हैं, कहते हैं कि आप हमारे क्षेत्र में आए हैं, आप नहीं जा सकते हैं। कोई उनके पास सबूत नहीं रहता है, कोई स्वतंत्र नहीं है। सीधी सी बात है, कोई स्वतंत्र नहीं, अपनी आवाज़ को उठाने में स्वतंत्रता नहीं है। हमारा संविधान ये नहीं कहता है, हमारा संविधान कहता है कि आप किसी भी चीज़ को आप लोकतंत्र हैं, हमारा देश में लोकतंत्र है, किसी भी चीज़ को आप उठाने के लिए आप कहीं जाना है, कहीं आना है, और तमाम चीज़ें हैं, कहीं चौपाल लगाना है,
और पार्टी के निर्देश पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो कहीं आप जा रहे हैं तो आपको पुलिस थाने पर ले जा रही है, वहीं आपको बंद कर दे रही है, वहीं आपको रोक दे रही है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं? आप अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते हैं? ये बहुत ही गंभीर समस्या है और इसका भुगतान आपको 2022 में भुगतने के लिए योगी सरकार को, आपको बीजेपी सरकार को ये सब चीज़ें सामने आएंगी। इस तरह से आप नहीं कर सकते हैं, किसी को आप रोक नहीं सकते हैं, किसी की बात रखने की आज़ादी होनी चाहिए, वो बात रखे, किसानों की बात है या किसी भी तरह से आंदोलन है तो आप उसकी बात तो रखने दीजिए कम से कम। ये आवाज़ दबाने की सरकार है और धोखाधड़ी की सरकार है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं विश्वकर्मा समाज के गौरव स्वर्गीय ज्ञानी चैल सिंह की पुण्यतिथि समारोह आजमगढ़ नरोली स्थित विश्वकर्मा भवन सभागार में मनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री रामाश्री विश्वकर्मा ने ज्ञानी जैल सिंह के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित किया। श्री विश्वकर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि ज्ञानी जैल सिंह पंजाब के एक गांव में गरीब पढ़ई विश्वकर्मा परिवार में पैदा होकर अपने संघर्ष के बल पर पंजाब के मुख्यमंत्री, देश के गृहमंत्री और देश के राष्ट्रपति बने थे। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि यदि मन में इच्छा शक्ति हो और नेतृत्व के प्रति सच्ची निष्ठा हो तो व्यक्ति संघर्ष के बल पर देश के बड़े पद पर पहुंच सकता है। विश्वकर्मा समाज के लोग अपने मन से ही हीनता निकालनी चाहिए, अपनी पहचान बनाने के लिए कर्म करना चाहिए। 25 दिसंबर 1995 को एक सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा पूरे देश में 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष ज्ञानी जैल सिंह की पुण्यतिथि मनाकर उन्हें याद करती है। श्री विश्वकर्मा ने कहा कि आज सभी विश्वकर्मा समाज के लोग अपने पूर्वज ज्ञानी जैल सिंह की व्यक्तित्व और कृतित्व को याद कर उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प ले रही है, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आगे क्या कुछ कहा श्री विश्वकर्मा ने आपको सुनवाते हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और विश्वकर्मा समाज में पैदा हुए विश्वकर्मा समाज के गौरव स्वर्गीय ज्ञानी जय सिंह जी की पुण्यतिथि है और आजमगढ़ के विश्वकर्मा सभागार में सभी विश्वकर्मा समाज के लोग एकत्र होकर के यहाँ पर उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि ज्ञानी जैल सिंह जी भले ही वो कांग्रेस पार्टी के नेता थे और संघर्ष करते हुए पंजाब में के मुख्यमंत्री बने, देश के गृह मंत्री बने, देश के राष्ट्रपति बने, इतने बड़े व्यक्तित्व का जन्म तिथि या पूर्ण तिथि कांग्रेस पार्टी नहीं मनाती, क्योंकि वो जो है पिछड़ी जात के विश्वकर्मा समाज के थे। लेकिन विश्वकर्मा महासभा हर वर्ष उनका जन्म तिथि या पूर्ण तिथि मना करके अपने महापुरुष को याद करती है और हम ये पूरे समाज में संदेश देने का काम कर रहे हैं कि ज्ञानी जैल सिंह अपने संघर्ष के बल पर के आगे बढ़े थे, परिश्रम करते हुए आगे बढ़े थे और इन्होंने पूरे देश में संदेश दिया कि अगर व्यक्ति के मन में सच्ची निष्ठा, लगन और परिश्रम करने की क्षमता हो तो जाति कभी आड़े नहीं आती। गरीब व्यक्ति भी साधारण परिवार में पैदा होकर के बड़े से बड़ी कुर्सी तक पहुँच सकता है। तो जेलर ने जुजला कहा कि जो है ये जो है जैल सिंह है, जैल सिंह है और वही नाम जो है जैल सिंह पड़ गया जो है। तो कहने का ये मतलब है कि ज्ञानी जैल सिंह अपने संघर्षों के बल पर परिश्रम करते हुए कांग्रेस पार्टी में रहते हुए भी उन्होंने इतना परिश्रम किया कि वो जो है विधानसभा भी जीते, लोकसभा भी जीते और देश के राष्ट्रपति भी हुए, देश के गृहमंत्री भी हुए, पंजाब के मुख्यमंत्री भी हुए और बहुत ऐतिहासिक फैसले लिए। एक वह राष्ट्रपति एक मजबूत राष्ट्रपति थे, वह प्रधानमंत्री के रबर स्टैंप नहीं थे। आपको मालूम होगा कि इंडियन पोस्टल बिल पर जब राष्ट्रपति स्वर्गीय ज्ञानी जय सिंह जी का तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी से विवाद हो गया था तो इन्होंने इंडियन पोस्टल बिल पर दस्तखत करने से मना कर दिया था और बिल को वापस लौटा दिया था। तो वो देश के हित में, जनता के हित में जो बड़े फैसले होते थे वह जनता के हित में वो फैसले लेने का काम करते थे, किसी सरकार का पिछलग्गू बनकर के उन्होंने काम नहीं किया। प्रतापगढ़ में गंगा जमुनी की तहजीब देखने को मिल रही है, जहां लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ते हैं तो एक मुस्लिम परिवार एक मंदिर बनवाकर क्षेत्र में सुर्खियां बटोर रहा है। मामला प्रतापगढ़ के लक्ष्मणपुर ब्लॉक का है, जहां मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जो ब्लॉक प्रमुख हफीज उर्फ
फिजू के द्वारा कराया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि एक सच्चा मुस्लिम और मुस्लिम समुदाय से होने के बावजूद भी ब्लॉक प्रमुख मोहम्मद हफीज ने मंदिर का निर्माण कराकर जो कार्य किया है वह काबिल तारीफ है और समाज में नफरत फैलाने वालों को एक सबक है। प्रभारी मंत्री सुरेश राणा ने आजमगढ़ के कृषि महाविद्यालय कोटवा में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर किसानों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों को वर्चुअल संबोधित किए जाने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर किसान प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया और किसानों के लिए बनाए गए किसान बिल पर भी किसानों को बिल की अच्छाइयों से अवगत कराया गया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज जिस तरह से खुले मन से किसानों के खाते में धनराशि का स्थानांतरण किया और प्रधानमंत्री ने किसान बिल की अच्छाइयों को किसानों के बीच साझा किया वो वाकई काबिले तारीफ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि बिल के साहित्य में है, उनके उपज को बेचने के लिए उसे खुला बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। टिप्पणी करना नहीं चाहता, जिन्हें ये भी ज्ञान नहीं, एक नेता बोलता है आलू डालोगे तो सोना निकलेगा, एक जब वो लिस्ट देते हैं कोरोना काल उत्तर प्रदेश में आता है तो 1000 बसों की सूची देते हैं और 1000 बसों में 500 से ज़्यादा नंबर ट्रैक्टर के होते हैं, कई सौ नंबर टेम्पू के होते हैं, एक तरफ वो सोना डाल कर के आलू निकाल रहे हैं, एक तरफ उनकी नेता टेम्पू डाल कर के बस निकाल रही है, कुल मिला कर के उनके बारे में टिप्पणी करना, चूंकि उनका हमेशा रवैया किसान विरोधी रहा है और यदि वो किसान के हित में होते तो श्री राहुल गांधी जी ने सबसे पहले कहा था कि जो हमारे 2013 में कि जो हमारे 12 राज्य जो हमारी सरकारें हैं APMC एक्ट में हम संशोधन करेंगे, उनके अंदर साहस नहीं था। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यदि संशोधन किया है फिर विरोध किस बात का, लोकतंत्र में सदन है, जब सदन में विधेयक आए तो राहुल गांधी जी कहाँ थे, वो नेता कहाँ थे, उन्हें बहस करनी चाहिए थी, संशोधन प्रस्ताव लाना चाहिए था। मैं भी विधायक हूँ, कोई बात आती है अच्छी नहीं लगती तो हम लोग सदन में बहस किया करते थे, किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया, केवल किसानों को बरगलाने के लिए, किसानों को बहकाने के लिए, किसान के कंधे पर बंदूक धर के चलाने के लिए और एक षड्यंत्र के तहत कांग्रेस इस तमाम विषय में लगी हुई है। लेकिन फिर भी किसान भाइयों के मन में जरा भी संशय है तो भारतीय जनता पार्टी हर संशय को दूर करने के लिए तैयार। इसके साथ प्रधानमंत्री जी ने किसान हित में किए गए फैसले, किसानों के हित में लाए गए कानून तमाम पर विस्तार से चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि जो कृषि सुधार विधेयक हम लाए हैं ये हर तरह से किसानों के हित में, साथ ही साथ जो भ्रम विपक्ष के द्वारा फैलाए गए हैं, जो भ्रम षड्यंत्र के तहत फैलाए जा रहे हैं, चाहे MSP को समाप्त करने की बात हो, उन्होंने कहा किसी सूरत में MSP समाप्त नहीं होगी, उल्टे MSP को बढ़ाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। बहुत सारे किसानों से भी उन्होंने सीधा संवाद किया है और किसानों ने बताया है कि किस प्रकार मंडी से बाहर अपनी फसल को बेच करके उन लोगों ने अपने मुनाफे को 2 से 3 गुना किया है और यही प्रधानमंत्री चाहते हैं और यही कृषि सुधार विधेयक में उन्होंने कहा है कि हम किसान को खुला मार्केट देना चाहते हैं, किसान को जकड़न से बाहर लाना चाहते हैं, किसान को बंधनों से बाहर लाना चाहते हैं, जिससे किसान अपनी फसल को जहाँ चाहे बेच सकता है, अपनी फसल को जिस राज्य में चाहे बेच सकता है, जिसको अच्छा लगे उसे अपनी फसल दे सकता है और उसका जो जहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है तो स्पष्ट उन्होंने कहा है कि ज़मीन के रहन का, ज़मीन के बेचने का कोई प्रावधान नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कॉन्ट्रैक्ट भी होगा तो किसान की फसल का होगा और साथ ही साथ यदि किसान कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो सारे फैसले किसान के हित में, यदि व्यापारी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो उसे किसान की सारी कीमत को चुकाना पड़ेगा, फसल की पूरी कीमत को देना पड़ेगा, मतलब कुल मिलाकर के हर तरफ से कृषि सुधार विधेयक किसान के हित में है। और मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन इस बात के लिए भी करूंगा, इसलिए मैं कल स्वयं निरीक्षण करने गया था और माने मुख्यमंत्री जी सदैव रैन बसोरों का स्वयं निरीक्षण करते हैं और कल शहर के विभिन्न चौराहों पर मैं स्वयं गया, लगभग 1.5 घंटे निरीक्षण की कार्रवाई चली, तो निश्चित रूप से मैंने उन लोगों से भी बात की जो रैन बसेरे में रुके हुए हैं, उनके कंबल, उनकी व्यवस्था सारी जांची, सारी परखी और मैं कह सकता हूं कि पूरी तरह से गंभीरता के साथ प्रशासन पूरी व्यवस्थाओं को करने में लगा है और पूरी तरह निर्देश दिए गए हैं कि ठंड में किसी भी तरह की कोई कोताही ना हो, किसी भी तरह की कोई कमजोरी ना हो, किसी भी तरह का कोई लापरवाही ना हो, उस तमाम प्रकार के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन पूरी तरह रैन बसेरे में कल मुझे व्यवस्था देखने को मिली, वहाँ मौजूद लोगों से भी मैंने स्वयं बात की।
आजमगढ़ जिले के भाजपा नगर कार्यालय पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी व मदन मोहन मालवीय की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर नगर अध्यक्ष व कार्यकर्ताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी व मदन मोहन मालवीय के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष के नेतृत्व में आज आजमगढ़ नगर कार्यालय पर अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी व मदन मोहन मालवीय के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला। इस दौरान लोगों ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने काफी संघर्ष करते हुए प्रधानमंत्री बने और उनका जो सपना था उन्होंने साकार किया। भारत में पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी और पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी है, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक रहे और उन्होंने ही भारतीय जनता पार्टी को आज इस स्तर तक पहुंचाया है जो कि आप सभी लोग देख रहे हैं। आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगभग हर जगहों पे है। जम्मू कश्मीर जैसे जगह पे जहां पे कि भारतीय जनता पार्टी का कभी कमल खिलता ही नहीं था, आज वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने के पक्ष में है। और इसी आज के दिन प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा लगभग 9 करोड़ किसानों के खातों में 2,000 रुपये भेजा जाएगा, जिसके उपलक्ष में आज सभी ब्लॉकों पर माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम रखा गया है और माननीय प्रधानमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी किसानों को संबोधित करेंगे। और इसी के साथ अब सभी लोग वहाँ जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी लोग अपना सहयोग करेंगे। आज के दिन हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि पार्टी द्वारा जो भी कार्यक्रम, जो भी निर्देश, दिशा निर्देश हम लोगों को मिलेंगे, हम सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी एक साथ मिलजुल कर उस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे और आने वाले 2022 के चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ फिर भाजपा की सरकार बनाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मेहनगर के स्थानीय ब्लॉक मुख्यालय पर पंडित अटल बिहारी के जन्मदिन पर सुशासन दिवस के अवसर पर मनाते हुए सर्वप्रथम पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर दीप धूप व पुष्प चढ़ाकर कार्यक्रम की शुरुआत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जयप्रकाश सिंह और संचालन अनुराग पांडे ने किया। भाजपा नेता ननकु सरोज ने उपस्थित किसान जनता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के विभिन्न राज्यों में कृषि सुधारों को कानूनी स्वरूप दिया। कृषि सुधार से न सिर्फ किसानों के अनेक बंधन समाप्त हुए बल्कि उन्हें नए अधिकार भी मिले। कृषि सुधार कानून के बारे में किसानों के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है, जिसकी सच्चाई यह है कि MSC मूल्य मिलता रहा है और मिलता ही रहेगा। तीजाराम ने कहा कि सरकारी मंडी व्यवस्था जारी रहेगी, नए कानून मंडियों को किसानों के लिए बेहतर सेवाएं देने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। वहां के 70 लाख से अधिक किसान मेरे किसान भाई बहन बंगाल के इस योजना के वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं, उनको ये पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि बंगाल की सरकार अपने राजनीतिक कारणों से उनके राज्य के किसानों को भारत सरकार से पैसा जाने वाला है। राज्य सरकार को एक कौड़ी का खर्चा नहीं है, फिर भी वो पैसा उनको नहीं मिल रहा है। कई किसानों ने भारत सरकार को सीधी चिट्ठी लिखी भी है, उसको भी वो मान्यता नहीं देते हैं। और आप कल्पना कर सकते हैं। स्विच मस्ट गो ऑन को चरितार्थ कर रहे हुनर संस्थान के कलाकार कोविड की चुनौतियों के बाद भी सुरक्षित तरीके से हुनर रंग महोत्सव अखिल भारतीय नाटक व लोक नृत्य समारोह का आयोजन 26 से 30 दिसंबर तक प्रतिभा निकेतन स्कूल के प्रांगण में कर रहे हैं। महोत्सव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है, मंच तैयार हो गया है, अतिथि कलाकारों का आगमन शुरू हो गया है। ये जानकारी देते हुए रंगकर्मी ललित विश्वकर्मा ने कहा कि जमशेदपुर कला निकेतन धनबाद व विश्वरूपम कला संगम वाराणसी की टीम आ चुकी है, जिनके नाटक उद्घाटन सत्र में क्रमशः होंगे। महोत्सव को सफल बनाने के लिए डॉक्टर पीयूष सिंह यादव को आयोजन अध्यक्ष, समाजसेवी अभिषेक जायसवाल दीनू को स्वागताध्यक्ष मनोनीत किया गया है। स्थानीय कार्यक्रम की जिम्मेदारी गौरव मौर्य, कमलेश सोनकर, आकाश गौंड, श्रावण प्रजापति, करण सोनकर, काजल सिंह, कशिश गुप्ता, ईशा अग्रवाल को दिया गया है। रंगग्राम की जिम्मेदारी शशि सोनकर, अमरजीत विश्वकर्मा, रवि चौरसिया, राकेश कुमार, विनय कुमार को दिया गया। स्वागत की जिम्मेदारी सपना बनर्जी, अनुराधा राय, डॉक्टर पंखुड़ी मौर्य, श्रुति अग्रवाल को दी गई है।
अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा की ओर से पंडित महामना मदन मोहन मालवीय और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती नगर के डाललाल डिग्गी स्थित बड़ा श्री गणेश मंदिर पर शुक्रवार को समारोह पूर्वक मनाई गई, जिसमें मौजूद लोगों ने दोनों विभूतियों के व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा करते हुए उनके चित्रों पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। दोनों विभूतियों को याद करते हुए मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए के मिश्र ने कहा कि आज के परिवेश में सामाजिक सद्भाव बेहद जरूरी है। इन दोनों महापुरुषों के जीवन को आत्मसात करते हुए हम इस पथ पर अग्रसित हो सकते हैं। अध्यक्षीय संबोधन में महासभा के प्रदेश संरक्षक पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन ने कहा कि मालवीय जिस शिक्षा ज्ञान और त्याग के त्रिवेणी थे, सनातन संस्कृत के योगदान में उनका सहयोग अद्वितीय है। कुंदन ने आगे कहा कि राजनीति के अज्ञात सत्र अटल जी के यूएसएस में पहली बार हिंदी भाषा में धारा प्रवाह भाषण का लोहा पूरी दुनिया में माना और उन्होंने सत्ता के लाभ के लिए कभी भी अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया। मेरा पूरा नाम विशाल उपाध्याय है, अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद मंडल प्रभारी, और आज अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद अखल और अखिल भारतीय भारतवर्षी ब्राह्मण महासभा दोनों के संयुक्त तत्वाधान में आदरणीय मदन मोहन मालवीय जी और आदरणीय स्वर्गीय अटल जी दोनों जनी की जयंती मनाई गई, जिसमें उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया और उनके विचारों का अनुसरण करने का एक प्रण लिया गया। आदरणीय मदन मोहन मालवीय जी के विषय में सारे लोग जानते हैं कि जब भारत जो है गुलामी में था, अंग्रेजों के गुलामी में था, उस समय उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और उनको एक महामना की उपाधि दी गई जो कि पूरे भारत में तीन ही लोगों को मिली। और रही आदरणीय अटल जी की बात, तो आदरणीय अटल जी का नाम ही इतना बड़ा है, वो एक महान कवि, साहित्यकार, एक राजनीतिज्ञ। जिस समय अटल जी विपक्ष में हुआ करते थे, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसी से उनका परिचय कराते वक्त पीठ पर हाथ रख के यह बात कही थी कि आप भविष्य के प्रधानमंत्री से। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर किसान घेरा कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को किसान यात्रा निकालकर जगह जगह चौपाल के माध्यम से कृषि संशोधन बिल 2020 पर चर्चा की गई। अतरौलिया ब्लॉक के टंडवा खानपुर गांव में पूर्व ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव के नेतृत्व में किसान चौपाल का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता रामलला कनौजिया ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व प्रमुख चंद्रशेखर यादव ने कहा कि भारत सरकार द्वारा बनाए गए किसान बिल किसानों के लिए खतरनाक है। ना तो यहाँ पर धान की खरीदारी हो पा रही है और ना ही किसानों का गन्ना बिल का भुगतान हुआ है और ना ही खरीदारी हो पा रही है, जिससे किसान का गन्ना खेत में सूख रहा है। हम लोगों की यह चौपाल और प्रदर्शन लगातार गाँव गाँव चलता रहेगा। आइए सुनाते हैं कि चंद्रशेखर पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने क्या कुछ कहा। आज हमारी जो ये समाजवादी पार्टी के संरक्षक धरती पुत्र श्रद्धे आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर ये जो किसान पंचायत पूरे समूचे उत्तर प्रदेश में इस नाते आयोजित की गई है, क्योंकि दिल्ली के चारों रास्तों पर जो हमारे बहुत ज़्यादा 30-35 किसान शहीद हुए हैं, उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और जो ये किसान विरोधी बिल है, जिसमें किसानों को छला जा रहा है, किसानों को बधुआ मजदूर बनाने की साजिश की जा रही है, किसानों के खेतों को ले करके उनका मालिकाना हक ले करके उनको नौकर बनाने की साजिश चली जा रही है, चाल चली जा रही है। और जो भंडारण था, जिसकी एक सीमा होती थी, उसको समाप्त किया जा रहा है। MSP निश्चित नहीं की जा रही है इस किसान बिल में कि MSP रहेगी कि नहीं रहेगी, उन चीज़ों को लेकर के। और भारतीय जनता पार्टी से हमारी एक चीज़ का सवाल है कि वो बताएं कि उन्होंने वो ये वादा करके आए थे कि हमारा किसानों की आय दोगुनी करेंगे, तो उनसे हमारा ये सवाल है आपके माध्यम से कि वो कौन सी MSP ला रहे हैं कि जिसके द्वारा किसानों की आय दोगुनी होगी। और विशेष करके आज यहाँ पर किसानों का धान खरीदा नहीं जा रहा है, गन्ना की पर्चियाँ आ नहीं रही हैं, तो हमारा सरकार से आह्वान है कि गन्ना खरीदा जाए, धान खरीदा जाए। और पुनः राज्य सरकार से एक बात की पुरजोर अपील है कि जो आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी के समय में जिस तरह से गन्ने का भुगतान गन्ना जाता था मिल पर और वहाँ से
कुछ दिनों में ही किसानों के खाते में पैसा आ जाता था और आज साल भर हो गया 14 से 18 महीने में किसानों के खाते में पैसा नहीं आया। गन्ने का अविलंब भुगतान किया जाए और ये हम आप सरकार से मांग करते हैं, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत जल्द ही अतरौलिया का किसान आंदोलित होकर बूढ़नपुर तहसील पे एक जबरदस्त प्रदर्शन। आजमगढ़ के विकासखंड अतरौलिया के प्रांगण में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर किसान सम्मान दिवस के रूप में सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया तथा कृषि मेला और गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर देश के प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मौजूद किसानों को संबोधित किया, जिसका टीवी के माध्यम से लोगों को प्रसारण किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष प्रेम नारायण पांडे ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री देश के किसानों के साथ हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के रत्न हैं और आज उनका जन्मदिन है। स्वर्गीय अटल जी के सपनों को आज मोदी जी पूरा कर रहे हैं। आज सारे विपक्षी षड्यंत्र रच रहे, टुकड़े टुकड़े गैंग को एक बहाना मिल गया। वही आज देश के किसानों के खाते में 2000 रुपये एक साथ भेजा जा रहा है। अंबेडकर नगर जनपद में पुलिस को बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने एक साल पहले चोरी लाइसेंस रिवॉल्वर के मामले में रिवॉल्वर बरामदगी के साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चोरों के पास एक तमंचा और 1 दर्जन जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया है। मुख्य आरोपी पर दर्ज हैं आधा दर्जन मुकदमे। कोतवाली अकबरपुर क्षेत्र के ऊंचे गाँव का ये पूरा मामला है। तो बड़ी खबर है इस वक्त की अंबेडकर नगर से, जहां अंबेडकर नगर में एक वर्ष पूर्व चोरी हुई रिवॉल्वर बरामद कर ली गई है और साथ दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को भाजपा सुशासन दिवस के रूप में मनाते हुए किसानों में व्याप्त भ्रांति एवं किसान बिल को किसान उपयोगी बताते हुए कुछ किसानों में व्याप्त असंतोष में भ्रांति का निराकरण करने के लिए सरकार विभिन्न स्तरों पर किसानों से बातचीत करने में लगी है। इसी क्रम में भाजपा ने अपने वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ताओं को ग्रामीण स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक किसानों को जागरूक करने में उतार दिया है। विदरियागंज ब्लॉक में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एम गोपालपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी श्रीकृष्ण पाल किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसान बिल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के साथ साथ किसानों को फसलों को कभी भी बेचने की इजाजत देता है, तो वही विपक्ष पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष को अपना जनाधार खिसकता देख किसानों को बरगला कर एक भ्रमित कर अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने में लगी है। विपक्ष लोकतंत्र की आत्मा का विरोध कर रही है। क्या कुछ कहा कृष्णपाल ने सुनवाते हैं। ये बिल लाने के बाद देश के बिचौलिए देश के पूंजीपति नाराज हो जाएंगे, पार्टियों को चंदा देना बंद कर देंगे तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। और इस बिल लाने के बाद ये बिल लाने की प्रक्रिया होती है, एक तरीका होता है, ड्राफ्ट कमेटी तैयार करती है, संसद में पेश किया जाता है और पूरे देश भर से चुने हुए जनप्रतिनिधि उसे कानून का रूप देते हैं, उसे अमली जामा पहनाने का काम किया करते हैं। उस देश में जो भारत की सबसे बड़ी पंचायत है, देश की संसद में यह कानून लाया गया, वहां विरोध करने की किसी की हैसियत नहीं थी, किसी की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि सारे के सारे दल अपने अपने घोषणा पत्रों में इसे लागू करने की बात कर रहे थे, इसलिए वह विरोध नहीं कर पाए। और जब देश की संसद से, लोकसभा और राज्यसभा से यह बिल पारित हो गया। प्रतापगढ़ के खंड विकास लक्ष्मणपुर ब्लॉक में धूमधाम से मनाया गया पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन। एलसीडी लाकर पीएम के संबोधन को सुने किसान और ग्राम प्रधान। इस मौके पर विश्वनाथगंज विधानसभा के विधायक डॉक्टर आर के वर्मा ने पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार किसानों की स्थिति लगातार मजबूत करने का कार्य कर रही है और उन किसानों को किसान समृद्धि योजना के बारे में जानकारी दी। और विधायक ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए किसानों को गुमराह करने का कार्य कर रही है। देश के किसान देश के अन्नदाता हैं, इसलिए किसानों के हित के लिए सरकार लगातार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इस मौके पर मौजूद रहे ग्राम प्रधान कटैया निवादा तूफान सिंह और खंड विकास अधिकारी अंजू वर्मा, एडीओ पंचायत मनोज सिंह, प्रधान देवली, ब्लॉक प्रमुख हफीज सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। सम्मान भी लौटाएंगे, हम किसानों की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करेंगे। सम्मानित साथियों, आप सब लोगों को ध्यान होगा क्योंकि आज के अवसर पर यह निर्देश है कि जो विवाद का विषय है, जो कुछ राजनीतिक पार्टियां जिनके पास कोई विकास का मुद्दा नहीं रह गया था, केंद्र सरकार से यह निर्देश भी है कि आज के इस अवसर पर हम सब लोग, जबकि स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस के रूप में किसान समारोह का आयोजन कर रहे हैं, यह निर्देश उस पर केवल आज माननीय प्रधानमंत्री जी बोलेंगे। बिल क्या है, बिल से होने वाले नुकसान और फायदों पर चर्चा हम लोग आज की रौनापुर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर पट्टीदारों में कहासुनी के बाद मारपीट हुई, जिसमें एक लड़की घायल हो गई, जिसकी हालत खराब होने पर उसे जिला महिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि इसका इलाज चल रहा है।
अब फिलहाल ये भी सही है। वही जो हमने परिजनों से बात किया तो परिजनों ने कहा कि हमारे खेत में पट्टीदारों द्वारा जबरदस्ती दीवार खड़ा किया जा रहा है, जिसका विरोध करने पर हमें मारा पीटा गया है, लेकिन पुलिस को सूचना देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। क्या कुछ कहा पीड़ित ने आपको सुनवाते हैं। नाम आपका शिव चंद्र कौन? कहाँ का रहने वाला है? गांगीपुर भदवार। गांगीपुर भदवार। कौन सा थाना है? रौनापुर। क्या घटना घटी, पूरी घटना बताइए। घटना वो हमारी जमीन मड़ई मंडी छा रहे थे तो हाथ भर हमारे जमीन में था। मैं बोला कि हाथ भर हमारे जमीन में है तो इसी पर कहा सुनी हो गई और बढ़ते बढ़ते मारपीट हो गई। किसको मारे हैं, कहां कहां चोट लगी है, कैसे? वो हमारी हमारी लड़की है, वो हमको लोग मार रहे थे, हमको लोग मार रहे थे तो बचाने के लिए आई, बस उसको पकड़ के दो चार लोग उसको ही मशीन गिरा के और लातों को उसको मारा है। तो अभी कहाँ आप भर्ती कराए, उसको इलाज चल रहा है क्या? उसका इलाज उसको ब्लॉक हरैया पर ले गए थे, वहाँ पर सुई या दवा दिए और फिर बोले कि लेके जाओ रौनापार, तो रिपोर्ट दिए थे तो रौनापार लेके गया, रिपोर्ट दिया तो वहाँ से बोले कि इसको लेके जाओ दवा कराओ। अच्छा, तो क्या रेप नहीं रेप हुआ कि नहीं? कौन लोग थे जिसके साथ मारपीट हुई? हमारे भाई थे, भाई है, भतीजा है। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु अभियान के तहत जनपद की विभिन्न थानों की पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि जहां थाना सिधारी की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के वांछित को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, तो ही थाना बौरता की पुलिस ने भी तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बात करें अगर थाना तरवा पुलिस की, तो थाना तरवा की पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई में एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। कोतवाली पुलिस ने भी 22 दिसंबर को गायब हुए 16 वर्षीय सत्यम श्रीवास्तव को फरिया थाना निजामाबाद में भारत पेट्रोल पंप से सकुशल बरामद कर लिया है। खबरों पर आजमगढ़ के अजमत ब्लॉक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कार्यक्रम में आजमगढ़ भाजपा के वरिष्ठ नेता विनय प्रकाश गुप्त को मुख्य अतिथि बनाया गया है। देशभर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने किसान अन्नदाता भाइयों को 9,000 परिवारों में 18,000 करोड़ किसान सम्मान निधि की सहयोग धनराशि प्रदान की है। बता दें कि आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रेष्ठ आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म जयंती है, जो सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया है। ऐसे में पुण्य दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अन्नदाता किसान भाइयों से अपील किया है कि किसी के बहकावे में ना आए और हम कटिबद्ध हैं कि अपने अन्नदाता मालिकों की आय दोगुनी कैसे करें। इसके लिए सतत नए कानून का सहयोग ले रहे हैं, जिससे हमारे अन्नदाता की आय दोगुनी हो सके। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता सचिदानंद सिंह और संयोजक अरविंद गुप्ता व संचालक चंद्रशेखर सिंह मौजूद रहे। वंदे। जब हम बोलेंगे भारत की शान तो आप सब लोग बोलिएगा जय जवान जय किसान। भारत की शान, भारत की शान, जय किसान। आज 25 दिसंबर अटल जी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे उनका जयंती समारोह का भी दिन है और आज ही के दिन हमारे प्रधानमंत्री जी